2019 लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण का मतदान कल यानी 19 मई को डाला जाएगा, जिसमें बिहार सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। लोकसभा चुनाव में बिहार की बात करें तो यहाँ पर 40 लोकसभा सीट है। 40 सीट पर जीत और हार भले ही नतीजे के दिन 23 मई को क्लियर होगा, लेकिन प्रचार प्रसार मामले में राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव सभी नेताओं पर भारी पड़े हैं। उन्होंने सबसे ज़्यादा 234 सभाएं की। वहीं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की ओर से सबसे ज़्यादा पसीना नीतीश कुमार ने बहाया है। बिहार में तेजस्वी यादव एक चर्चित चेहरा है, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब लालू प्रसाद यादव के गैर हाजिरी में तेजस्वी यादव ये पहली चुनाव लड़ रहे हैं। सातों चरण में संपन्न होने में लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान के सभी दल ने अपने अपने पूरी ताकत झोंक दी। बिहार के मुख्यमंत्री और JDU के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने विभिन्न राज्यों के विभिन्न इलाकों में 172 चुनावी जनसभाएं की। इन जनसभाओं ने नीतीश कुमार ने वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते नजर आए। वहीं RJD नेता तेजस्वी यादव ने विपक्ष के महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए रोड सभाएं की। अगर लालू यादव की बात करें तो RJD के प्रवक्ता विजय प्रकाश ने कहा कि तेजस्वी यादव ने RJD को लालू प्रसाद की कमी नहीं खलने दी। तेजस्वी यादव ने सभी उम्मीदवारों की मांग पूरी की। अब आज के दौर में सोशल मीडिया सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। तेजस्वी यादव इस सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय नजर दिखाई दिए। तेजस्वी ने अपने सभाओं में मुख्य रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों को अपना संदेश दिया। अगर वही बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 172 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। नीतीश कुमार ने अपने हर चुनावी रैली में NDA के लिए वोट मांगा। इस दौरान उन्होंने लालू प्रसाद राबड़ी से भी RJD पर निशाना साधते हुए 15 साल के शासनकाल को मतदाताओं को याद दिलाया। साथ ही साथ उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। इस संदर्भ में JDU प्रवक्ता राजीव रंजन कहते हैं कि नीतीश कुमार ने अपने विकास के कामों को लेकर जनता के बीच गए, लेकिन तेजस्वी के बाद बताने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ हम आपको ये बता दें कि बिहार में इस समय महागठबंधन का दौर जारी है और इस चुनावी गठबंधन अभियान में जीतन राम मांझी ने भी 119 जनसभाओं को संबोधित किया। NDA के प्रमुख घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी यानी LJP के अध्यक्ष रामविलास पासवान ने भी 52 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। LJP के महासचिव और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने भी 35 स्थानों पर पहुंच को मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की। लेकिन अंतिम चरण के होने वाले इस चुनाव में देखते हैं कि बिहार की जनता किस पार्टी पर सबसे ज़्यादा भरोसा जताकर उसे विजयी बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑपरेशन। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video, you will get a notification on your phone.